नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे गोल्डन स्टार वर्सेस ब्लू स्टार की टीमों के बीच में जो फैन कोड ACS T10 क्रेफील्ड का फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। अगर बात की जाए दोस्तों दोनों टीमों के कंपैरिजन की तो दोनों टीमें हैं वो इक्वल लेवल की टीमें हैं, तो इस मैच में आप 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाकर अपनी फंटेसी की टीम है वो क्रिएट करके चल सकते हो। वहीं साथ साथ इस वीडियो में देखेंगे कौन सा बेस्ट मैंने कौन सा अलाउंडर और कौन सा बोलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और VC के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप मेगा कॉन्टेस्ट GL में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज करके चल सकते हो, तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इस मुकाबले की फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट GL की टीमें रहेंगी वो भी आफ्टर लाइनअप आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा बायर क्रिकेट ग्राउंड क्रेफील्ड जर्मनी में यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर बात की जाए पिच रिपोर्ट की तो ओरोलियां का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। वे साथ साथ देखोगे तो इस वेन्यू के ऊपर एक्स्ट्रा स्पोर्ट है वो पेसर गेंदबाजों को मिलती है। वहीं बात की जाए इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की तो 80 व 90 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो, इसी के अंडर आपको स्कोर अब बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस वेन्यू की जो भी प्रेस पिच रिपोर्ट रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी ब्लू स्टार की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी ब्लू स्टार की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस टीम की तरफ से जहीर अब्बास है वो आपको ऑलमोस्ट ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। T10 में देखो तो 11 मुकाबले खेले, 17 की ओर से 157 रन बनाए, बोलिंग डाली नहीं है। T20 में देखो तो 42 मुकाबले में 19 की ओर से 736 रन बनाए, साथ साथ 35 विकेट निकाल के दिए, लेकिन T10 में अभी तक बॉलिंग नहीं डाल के दिए, लेकिन इस सीरीज में आपको बॉलिंग भी डालती हुई नजर आ जाएंगे, ओपन में बैटिंग करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। MD सफीउल्लाह खादिम की बात की जाए तो T10 में इन्होंने 20 मुकाबले खेले, 18 की ओर से 188 रन बनाए, साथ साथ 12 विकेट निकाल के दिए, और T20 में भी देखो तो 29 का इनका बैटिंग औसत रहता है, कि इंपॉर्टेंट पिक आपके रहेगी, टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो सफीउल्लाह आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। हारून खान की बात की जाए तो ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगे। T10 में देखोगे तो 11 मुकाबले में 112 रन बनाए, साथ साथ 11 विकेट निकाल के दिए, तो बैट और बॉल दोनों करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके इतना। कुराम इलियास की बात की जाए तो T20 में इन्होंने 107 मुकाबले खेले, 18 की ओर से 1232 रन बनाए, और साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग डालते हुए 14 विकेट निकाल के दिए। T10 का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करवा के देंगे, प्लस आपको पार्ट टाइम बॉलिंग डाल के दे सकती है, बॉलिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं रहेगा। बाकी आप GL ओवर के कॉम्बिनेशन में चाहो तो VC ट्राई करके चल सकते हो। सैयद साबिर अली की बात की जाए तो T10 का एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास भी नहीं है, लेकिन T20 में 32 मुकाबले खेले, 11 की ओर से 306 रन बनाए, और साथ साथ 22 विकेट निकाल के दिए, तो बैट और बॉल दोनों करवा के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके चला। विक्रमजीत की बात की जाए तो T10 में 11 मुकाबले खेले, 15 की ओर से 47 रन बनाए, साथ साथ 7 विकेट निकाल के दिए, तो एक ओवरेज पिक रहेगी, चाहो तो कवर करके चल सकते हो, बाकी आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। नवीम अख्तर की बात की जाए तो T20 में 68 मुकाबले खेले, 18 की ओर से 1000
2025 में साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग डालते हुए 14 विकेट निकाल के दिए। नवीम अख्तर आपको टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करवा के दे सकती है, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। जीएल वर्क के कॉम्बिनेशन में जरूर से कवर करके चला। करणजीत ब्रा की बात की जाए तो T10 में 9 मुकाबले खेले, 28 की औसत से 28 रन बनाए, एक ही मुकाबले में बैटिंग का मौका मिला है। बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहता है, बॉलिंग में अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला। एक रिस्क की पिक रहेगी, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रंजीत राणा सिंह की बात की जाए तो T10 में 11 मुकाबले में 7 विकेट निकाल के दिए, एक और पिक रहेगी, जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। प्राम नुल्ला उल्ला मिकी खेल की बात की जाए तो T20 में 7 मुकाबले खेले, 13 रन आए, 8 विकेट निकाल के दिए, एक और पिक आपके लिए प्रणाम नुल्ला मिकी खेल रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में आप ट्राई करके चल सकते हो। असद मोहम्मद की बात की जाए तो T20 में 50 मुकाबले खेले, 18 की औसत से 719 रन आए, साथ साथ 58 विकेट निकाल के दिए। असरद आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो असरद को आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो केवल 50 लाइक का टारगेट है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी गोल्डन स्टार की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों इस टीम की तरफ से परितोष बैरागी है वो आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इनके पास कोई भी T10 का एक्सपीरियंस नहीं है। T20 में देखो तो 54 मुकाबले खेले, 23 की ओर से 988 रन बनाए, साथ साथ 54 मुकाबलों में 73 विकेट निकाल के दे चुके हैं। तो परितोष आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे, तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। राहिब नवाबी की बात की जाए तो दोस्तों T20 में इन्होंने 41 मुकाबले खेले, 11 की ओर से 411 रन है, साथ साथ 62 विकेट निकाल के दिए, तो बैट और बॉल दोनों ये भी आपको करवाते हुए नजर आ जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। ए रहमान की बात की जाए तो T20 में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 5 मुकाबले खेले, 14 की ओर से 42 रन आए, ना तो बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म रहेगा, बाकी आप चाहो तो जीएल वर्क के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। जेड खान की बात की जाए तो T20 में 100 मुकाबले खेले, 13 की ओर से 1278 रन आए, साथ साथ 5 विकेट निकाल के दिए, तो बॉलिंग ऑर्डर ये कभी एक ओवर की बॉलिंग आपको इस मुकाबले में डाल के दे सकते हैं या फिर दो ओवर की भी बॉलिंग डाल के दे सकते हैं, तो जीएल वर्क और समोली के दोनों कॉम्बिनेशन में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। रहुउल्लाह हुसैन नकवी की बात की जाए तो T20 में 65 मुकाबले खेले, 23 की से 1359 रन आए, और साथ साथ देखो तो 25 विकेट निकाल के दिए, एक इंपॉर्टेंट पिक रही, बैट और बॉल दोनों करवाती हुई नजर आ जाएंगे, जरूर से अपनी टीम में कवर करके इतना। अदीप सलमा असगर की बात की जाए तो T20 में 49 मुकाबले में 33 की ओर से 1393 रन बनाए, साथ साथ 70 विकेट निकाल के दिए। सलमान असरग एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। गुरविंदर आपके लिए एक रिस्क की पिक रहने वाली है। इम्तियाजी सरदार की बात की जाए तो 86 मुकाबले खेले, 11 की औसत से 525 रन बनाए, साथ साथ 117 विकेट ये निकाल के दे चुके। कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग आपको इम्तियाजी डाल के देंगे, जरूर से कवर करके इतना। लीली प्रसाद की बात की जाए तो T20 में 15 मुकाबले खेले, 12 की औसत से 116 रन बनाए, साथ 22 विकेट निकाल के दिए, एक ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। पंकज कुमार भी आपके लिए एक ओवरेज पिक रहने वाली है। वहीं बात कीजिए नियामतुल्ला साफी की तो T20 में अभी तक देखो तो 67 मुकाबले खेले, 15 की औसत से 740 रन है, साथ साथ 75 विकेट ये निकाल के दे चुके। कंप्लीट आपको दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये तो हो गया दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की डेमो टीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहीर अब्बास आपको ओपन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। T10 में रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात कीजिए ए सिराजी की तो दोस्तों इस प्लेयर का खेलना कन्फर्म नहीं रहेगा, अगर इस मुकाबले में खेलते हैं तो एक और पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी आप ड्रॉप करने का रिस्क भी काफी आसानी से ले सकते हो।
कुरम इलियास की बात की जाए तो दोस्तों ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी। हालांकि T10 का कोई भी एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास नहीं है, लेकिन T20 में काफी मुकाबले के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए बैटिंग ऑर्डर में तो करणजीत ब्राह ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाते हुए नजर आ जाएंगे, प्लस आपको बॉलिंग भी डाल के दे सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके चला। एस असलम है ये आपके लिए एक रिस्क की पिक रहेगी, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, T10 में रिकॉर्ड इतना अच्छा भी नहीं है। नवीम अख्तर की बात की जाए तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे रहेगा, बॉलिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहेगा, तो इस प्लेयर को भी आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। एच जावेद आपके लिए एक और रिस्क पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में जरूर से कवर करके चला। वहीं बात की जाए प्रीतोष ब्रियागी की तो दोस्तों ये आपको ओपन करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डालती हुई नजर आ जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी प्रीतोष ब्रियागी, तो आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चला। राहिब नवाबी की बात की जाए तो ये भी आप ऑलमोस्ट आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो रोहित नवाबी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। तो दोनों प्लेयरों को आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके समोलिक और ग्रानलिक की दोनों कॉम्बिनेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ, ये दोनों प्लेयर आपके लिए इस मुकाबले में ट्रंप कार्ड पिक रहने वाली है। वहीं बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में एम सफी उल्लाह की बात की जाए तो दोस्तों ये भी आपको ओपन करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। ए असगर की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी, तो सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चला। ए मोहम्मद हो गया, साथ साथ यहाँ पे गुरविंद सिंह हो गया, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, दोनों आपको बैट और बॉल दोनों करवाती हुई नजर आ जाएंगे, तो दोनों प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चला। बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए तो होरन खान आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से कवर करके इतना। ए रहमान है ये भी आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवाती हुई नजर आ जाएंगे, प्लस आपको बॉलिंग डाल के देंगे कंप्लीट दो ओवर की, तो इंपॉर्टेंट पिक रही, जरूर से कवर करके जीएल ओवर के कॉम्बिनेशन में चाहो तो आप वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। एफ मिकी खेल की बात की जाए तो दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डालती हुई नजर आ जाएंगे, तो जरूर से कवर करके इतना। विक्रमजीत आपके लिए एक रिस्क की पिक रहेगी, सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क काफी आसानी से ले सकते हो। एस वाल जी की बात की जाए तो दोस्तों इस प्लेयर का खेलना कन्फर्म नहीं रहेगा, अगर इस मुकाबले में खेलते तो आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। एन खान आपके लिए रिस्क की पिक रहेगी, सीधा सीधा ड्रॉप करके चला। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो फाइनल टीम रहेगी जो फाइनल अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों देखो तो ए असगर को अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करके चला, वही वाइस कैप्टन देखोगे तो एम सफी उल्ला को वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाऊं, ये दोनों आपको बैट और बॉल दोनों करवाते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी। वहीं दोस्तों देखो तो थोड़ी सी रिस्क की पिक आपके लिए प्रीतोष ब्रियागी और साथ साथ यहां पर राहिब नवाबी रहेंगे, दोनों आपको ओपन में बैटिंग करवा के देंगे, प्लस आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। जीएल और समोली के दोनों कॉम्बिनेशन में जाओ तो अपनी टीम में आप जरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चला, आपको वन साइडेड जीएल या समोली विन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखोगे तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है, जो फाइनल टीम रहेगी वो हाफ्टर टॉस व लाइनअप आने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर दोस्तों आपको हमारा स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।